भाई जी सत श्री अकाल, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हरप्रीत सिंह फतेह 48-65। हम पहुंचे थे रात को पिपल गांव मंडी, लोडिंग पे लगाई थी गाड़ी, तो लोड की थी गाड़ी, तो निकले हैं वहां से। दिखाते हैं आपको लोडिंग होती हुई रात को, जैसे लोडिंग वगैरह हुई थी हमारी, सारा दिखाते हैं वीडियो में। बने रहना वीडियो में, देखते रहना वीडियो। ओके, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करो, शेयर करो मेरा भाई, सब्सक्राइब ज़्यादा करो मेरा भाई, तो लाइक भी करो शेयर भी करो। अभी बोला नहीं मैंने लाइक शेयर के लिए, आज बोल रहा हूँ मेरा भाई, कर दो सब्सक्राइब कर दो, 5,000 तक तो कर दो मेरे सब्सक्राइबर, इतने तो बना दो, ज़्यादा नहीं मैं बोलता। अभी 250-300 हो गए हैं, तो 5,000 तक तो कर दो, उसके बाद फिर थोड़ी खुशी होगी हमें भी, वीडियो बनाने का मज़ा भी आएगा। तो मेरा भाई देखो वीडियो देखो। हम पहुंच चुके हैं पिपल गांव मंडी, 12:45 का टाइम हो चुका है, 11:45 हो चुके हैं। तो यहां से पिछली बार लोड किया था, वहीं से लोड होगी गाड़ी हमारी, तो अभी लगाते हैं गाड़ी, वहीं पे लेके चलते हैं, बाहर लगाते हैं पहले, तो फिर अंदर जाके देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो त्रिपाल भी खोलना, हमने त्रिपाल वगैरह खोल देते हैं, फिर बाहर ही लगाते हैं। शुरू हो चुकी है हमारी दोबारा, देख सकते हो आप उसी जगह से लोड हो रहा है माल हमारा, जहाँ से पहले लोड करके गए थे, ये वहीं से लोड कर रहे हैं अभी, ये देखो वहीं से शुरू, ये देख सकते हो आप, ये सारा ही टमाटर है। छांट होती है इसकी पूरी टमाटर की, जो ख़राब होता है थोड़ा उसको निकाल देते हैं बाहर। बाकी ये देखो भाई कितने बंदे लगे हुए हैं छांट करने के लिए पूरी। और इधर हमारी गाड़ी हो चुकी है लोड, रह गई है थोड़ी सी इस साइड में। लोडिंग पूरी तरह धड़ाधड़ चल रही है अभी, ये देखो भाई, ये देखो क्रेट से क्रेट जाता है, ये 27 किलो का क्रेट है, देखो कैसे उठा के भाई मारता ऊपर से, ये देखना भाई, ए जिम जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई बढ़िया करके लगाना मेरा भाई क्रेट। तो भाई छोटे डब्बों की कैसे पैकिंग होती है, ये ढक्कन की पैकिंग हो रही है ऊपर वाले की, ये ढक्कन की पैकिंग हो रही है, क्या क्या कर रहे हैं पैकिंग धड़ाधड़। ये देखो ये ढक्कन की होगी पैकिंग, रखने का तरीका देखो कितना बढ़िया, कैसे स्टाइल में रखते हैं इसको। और यहाँ पे डब्बा पैकिंग होती है, ये भी भाई ढक्कन पैकिंग कर रहा है, डब्बा वाला किधर गया भाई, ये भाई डब्बा ही देखो भाई, ये डब्बा इधर पैकिंग हो रहा है, देखो भाई डब्बा कैसे पैकिंग होता है, ये देखो कैसे मिनट में तैयार, ये देखो भाई कितनी स्पीड में होता है तैयार डब्बा, ये देखो भाई, ये देखो भाई 5-6 सेकंड में तैयार कर दिया डब्बा, 5-6 सेकंड में, ये देखो भाई बहुत स्पीड है भाई, मानना पड़ेगा, ये डब्बा तैयार, ये नीचे और ये यहाँ पे डब्बा भर रहे हैं, ये देखो कैसे पैकिंग चल रही है इसकी, ये देखो भाई पैकिंग डब्बे की, ये भाई सारे ही देखो भाई, ये सारी पैकिंग चल रही है अभी, सभी पैकिंग चल रही है अभी, ये देखो भाई कैसे पैकिंग होती है, डब्बे की पैकिंग कैसे है, पैकिंग देखो कितनी बढ़िया, कैसे मशीन में, ये देखो कटिंग भी खुद करती है, फिर शीट भी होती है, कितनी बढ़िया पैकिंग हो रही है, ये भाई देखो धड़ाधड़ लगा, स्पीड देखो भाई की, ये देखो कैसे स्पीड में लगा हुआ है, ये देखो पैकिंग से सारा पैक हो चुका है माल, छोटा पैकिंग। हेलो भाई जी, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है इस प्यारी सी सुबह में। तो अभी हम लोड कर चुके हैं गाड़ी,
देख सकते हो आप, माल रह गया था कोई 20 क्रेट रह गए थे हमारे, उसकी वजह से हमारे 3-4 घंटे टूट चुके हैं अभी तो। इन्हें तो इस वक्त हमें ये भैया चले गए थे उधर, तो माल भी हमारा तैयार नहीं पड़ा था 20-25 क्रेट, तो अभी डाल रहे हैं तो डाल के निकलेंगे यहाँ से, कंटिन्यू चलेंगे आगे सफ़र करेंगे। तो ये दिखाते हैं आपको पूरा गोडाउन, और ये अपनी मोरनी, और ये भैया ऊपर में क्रेट देखो ये कैसे चढ़ा रहे हैं ऊपर, अभी 27-28 किलो का होता है क्रेट ये, और ये पैकिंग छोटी पैकिंग है ये देख सकते हो। रात को तो इतना शोर होता है ना यहाँ पे, आप तो आवाज़ सुन नहीं सकते इतना ज़्यादा। ये देखो भाई, ये भाई बैठे हैं धड़ाधड़ लगे हुए हैं, ये पैकिंग दिखाया आपको मैंने पहले भी, और ये कैसे करते हैं पैकिंग, पूरी रात होगी इनको भी लगे हुए कंटिन्यू पैकिंग कर रहे हैं। ये देखो ये टमाटर पे कितना बढ़िया ये मशीन है भाई, चालू परना बांध तू क्या करता है ऐसे घूमता रहता है। ये अपनी मोरनी डालेंगे त्रिपाल वगैरह, मौसम तो अभी थोड़ा थोड़ा खराब लग रहा है तो निकलेंगे अभी। ये हाइट है हमारी इतनी, गाड़ी की सेंटर में ही माल आया, ज़्यादा हाइट तो हुई नहीं लेकिन फिर भी हाइट कटवानी पड़ती है हमें, क्या करें अभी बहुत दिक्कत होती है रास्ते में। हमने तो लोड करके जैसे निकले तो टायर देखे हमने, तो टायर पंचर निकला हमारा, तो अभी हमने लोड कर चुके हैं गाड़ी, तो डंडे वाला टायर हमारा पंचर हो गया था, अभी हम पंचर लगवा रहे हैं, ट्यूब हमारी हो चुकी है ख़राब, नट बुल्ट लगा था टायर को, तो अभी ये हमारी ट्यूब की हालत है जो हमने अभी खोली है, निकाली है टायर से, क्योंकि इसका तो खात्मा हो चुका है पूरा ही। तो अभी देखते हैं, अंकल के पास आया ट्यूब तो वो पंचर है एक, देखते हैं तो वही डालेंगे अभी, चेक कर रहे हैं, चेक करके तो डालते हैं अभी। ये अभी निकलेंगे यहाँ पे पंप पे, मंडी से आगे आए हैं 1.5 किलोमीटर, तो यहीं पे खड़ी की है गाड़ी, निकलेंगे अभी पंचर लगवा के कंटिन्यू ड्राइव करेंगे हम अपना मंडी, आपको पता ही है 6वें दिन सुबह की होती है 6 बजे की। देखो भाई ये लुटेरे हैं, लुटेरे ये देखो भाई, बोलते हैं भाई आगे आरटीओ, आगे आरटीओ बैठा हुआ है, ये देखो कैसे आ जाओ लुटेरे बैठे, आ जाओ आगे डाकू हैं, ये लुटेरे हैं सारे, लुटेरे कितने भी हैं सारे लुटेरे हैं, सारे लुटेरे हैं, गाड़ी लूटते हैं, इनसे बच के रहना है, ऐसे गाड़ियां लगाते हैं 5-7, तो गाड़ी वाले को बताते हैं भाई आगे बैठा हुआ है कोई, तो आगे कोई नहीं बैठा होता तो गाड़ी लूट लेते हैं, इनसे बच के रहना। खड़े होते हैं यहाँ पे बैठे हुए, ये गाड़ी रोकते हैं, 3-4 गाड़ियां अपनी लगा लेते हैं, गाड़ी वाले को बहकाते हैं, गाड़ी लगा के शहर में पैसा लूटते हैं, गाड़ी वाले इतने मतलब कि खुद करते हैं, मतलब बंदे को मारते हैं, मार के फेंक देते, पीछे देखा आपने जंगल है पूरा, इनसे बच के रहना मेरा भाई। ये देखो भाई मौसम और रास्ता कितना बढ़िया मौसम है, पहाड़ी एरिया चुका है, बोट इंदौर रह गया 174, शिवपुरी रह गया 570, आगरा 810 किलोमीटर। ये देखो भाई, और ये पूरे घाट है यहाँ पे, वो सामने ऊपर इस साइड में मंदिर है, तो इस साइड में दरगाह है सामने, वो दिख रही होगी आपको, वो सामने दरगाह है ये सामने, और इस साइड में मंदिर है, वो सामने
हेलो भाई जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 हो चुके हैं। अभी हम पहुंच गए हैं झांसी, तो बॉर्डर आने वाला आगे, झांसी बॉर्डर निकलेंगे। यहाँ से चाय पियेंगे। अभी चाय रुके थे चाय पीने के लिए, तो शालू चला रहा था गाड़ी। अभी शालू रेस्ट करेगा, हम चलाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे रुके हैं। चाय पियेंगे, निकलेंगे यहाँ से। हम पहुँच चुके हैं झांसी, पार करके पेट्रोल पम्प आता है ये, यहीं से हम तेल डलवाते हैं। हर बार जाते समय भी डाला था इधर से, तो जाते समय भी यहीं से डाला था, लेकिन जाते समय एक्स्ट्रा डल गया था, वो एक्स्ट्रा माइलेज वाला, तो थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया था इनके साथ, भैया के साथ। तो चलो, हम तो खुद मालिक हैं, बताया था आपको, खुद मालिक हैं, तो चलो हमने कर लिया कंप्रोमाइज। नहीं तो और कोई होता तो ड्राइवर वगैरह होता तो चट्टी पड़ जाती बेचारे को, 2025 रुपये चट्टी पड़ जाती, इसलिए हमने छोड़ दिया। चलो यार, क्या अभी चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। रुके हुए हैं यहाँ पे अपना कानपुर से पीछे, चाय पी है, नहाए हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए हैं। तो ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं हमारी अपनी ढाबे पे अपनी, कल निकले थे भर के। तो अभी ये पीछे अपना सिलीगुड़ी की है एक, वो अपना जाएगी उधर, आगे लगी टमाटर भरा हुआ वो पांडन की। ये होटल है, बढ़िया खाना मिलता है यहाँ पे। ये अपना आता है पल्ली पड़ता है क्या, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको, बढ़िया मस्त खाना है यहाँ। नासिक वाली साइड से आओ, कालपी से पहले पड़ता है आटा, वहाँ पे ये होटल है। टोल पार करके आओगे, टोल से आगे 2-4 किलोमीटर आगे आओगे, 5 किलोमीटर तो मिलेगा आपको ये ढाबा, बढ़िया ढाबा है। खाना भी बढ़िया, नहाने धोने के लिए बढ़िया, अपना नहाने के लिए बढ़िया दी है, साफ पानी है बिल्कुल। और ये देख सकते हो, ये होटल है, ये लोकेशन है होटल की, ये देख सकते हो आप, बढ़िया। अभी हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई थी, देखो मैं नहाया हूँ, ये अभी 4 दिन हो गया नहाया नहीं, कहाँ गया देखो, पर्दे के पीछे छुप रहा है। अभी 4 दिन हो गया इसको नहाए हुए, अभी तक नहीं नहाया, मैंने 2 बार नहा दिया 4 दिन में। तो अभी बोलता आकर था मैं नहाऊँगा जाके, तो छुप रहा कैसे है देखो। अभी नहा के पूरा फ्रेश हो गया हम, तो निकले हैं यहाँ से। अभी जाएंगे हम अंदर से फतेहपुर होके जो रास्ता जाता है मेरे साथ, उस साइड से जुड़ेंगे। कानपुर वाला जो रास्ता है वो उस साइड से गाड़ी आने दे रहे हैं, इस साइड वाली गाड़ी बंद की हुई है, इस साइड से गाड़ी नहीं छोड़ते। उस साइड वाली मेरे भाई जो भी हैं, जितने भी हैं, उस साइड से आते हैं, वो सीधा आए उस साइड से, बिल्कुल सीधा गाड़ी छोड़ते हैं, इस साइड वाली गाड़ी बंद करते हैं, बिल्कुल इस साइड वाली गाड़ी रोकते हैं। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं अपना कानपुर। तो ये अभी हम खड़े थे यहाँ पे, क्या बोलते हैं, कालिया पड़ता है, क्या बोलता है, कल्पिया खड़े यहाँ पे, कल्पिया। यहाँ पे हमने बढ़िया नाश्ता वगैरह किया, बढ़िया होटल है, ऐसी बात नहीं, छोटा सा होटल है लेकिन हर चीज़ बढ़िया, दही और परौंठा इतना बढ़िया लगा, क्या बताएं आपको, पूरी अपने घर की पंजाब की फील आ गई समझो, पूरी पंजाब के ढाबों में खाते हैं ना जैसे, कैसे पूरा मज़ा आ गया वैसे। तो चाय भी बढ़िया और नहाने का भी बहुत बढ़िया पानी है यहाँ पे, यहीं पे रुको आप, बहुत बढ़िया है। अभी हम चल रहे हैं, तो ये देख सकते हो आप, जा रहे हैं अभी। चलो भैया, आप भी कोई बोलोगे, ओ चलो भैया, चलो भाई बालबो, मेरे भाई एक बीच में बोलता जी भैया, फोन करके बोल रहा था मेरा भाई, तो बोलता भैया बालबो भी रखी है चालू भैया ने, मैं बोलता यार चालू भैया बहुत अच्छे हैं, मैं ठीक है, मैं चालू भैया से लव हो गया, लव। तो अभी हमारा कल भर के निकले थे हम 10 बजे, तो अभी हम कल भी पहुँचे हैं समझो, और 1.5 घंटे के बाद हम कानपुर पहुँच जाएंगे, लखनऊ पार कर जाएंगे जल्दी। बढ़िया अपना मंडी हम उसी दिन लगाएंगे, 6वें दिन, लेकिन ऊपर में जाम बहुत है, बहुत ज़्यादा जाम है, इसलिए थोड़ा खींच के रखिए गाड़ी। चलो आगे टाइम मिल जाएगा हमें, वहाँ ऊपर टाइम मिल जाएगा, क्योंकि सुनने में आया अभी रास्ता बंद किया हुआ है, छलांग वाला नहीं जाने दे रहे गाड़ी, पीछे गाड़ी रोक रहे हैं, क्या पता हमें भी अब लॉन्ग होकर जाना पड़े, तो इसलिए हमने भी गाड़ी खींची हुई है, रुकी नहीं अभी। तो चलते जाएंगे, कंटिन्यू सफ़र रखेंगे, 60 की स्पीड में चलते रहेंगे, इससे ज़्यादा ऊपर हमने जाना नहीं। स्टॉप जो हमारा 250 से नीचे होता नहीं, 250 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, स्टॉप होता है। और बाकी ये शालू के स्टॉप होते हैं, 100 किलोमीटर के बाद, 50 किलोमीटर के बाद कभी टाफियाँ ख़त्म हो जाती हैं इसकी, कभी चाय और कभी मिक्सर कुरकुरे चिप्स ये ख़त्म हो जाते हैं इसके, तो लेने पड़ते हैं। अभी पीछे सुन रहा है, बुरा बातें सुन रहा है, बोल ही रहा है, बाद में हंसेगा देखना, बाद में आके बोलेगा, बोल ले भाई कुछ तू भी। ये अभी
मैंने बोला नाल इतना जलील किया बहुत है, मैंने तेरे को इतना जलील किया, मैं तेन इन्ना ढीठ किया, तू जरा भी फील नहीं किया, ये उस आवाज का इन्हें फील मासा नहीं किया, इन्हें मैं बड़ा जलील किया। भाई यार चलते हैं, जाना घर था लेकिन यहाँ पे आके मन में लालच आया था। जब बंदा नासिक आता है ना, लालच आ गया मेरे को भी, यार रेट बढ़िया है, चलो चले जाते हैं, फेरा लगा लेते हैं ऊपर। उस साइड में जाएंगे तो 20 दिन में फेरा कंप्लीट होगा, यहाँ पे यार 6-7 दिन में फेरा कंप्लीट हो जाएगा। भाई यार आ जाएंगे, देखेंगे शादी है साले की, बुआ जी की लड़की की शादी है, तो 18 तारीख को बुआ के लड़की की शादी है, बुआ की लड़की की, तो देखेंगे 12 तारीख खाली करेंगे, 13-14 तारीख भरेंगे, 15-16 तारीख आके यहाँ पे गुवाहाटी वहाँ से बैठेंगे फ्लाइट, तो आ जाएंगे हम। क्योंकि क्या पता लॉन्ग शलोंग अपना ये शलोंग बड़ा बंद किया हुआ है, अब लॉन्ग के आना पे पड़े तो वहाँ पे अकेला आदमी कामयाब नहीं होता, अब लॉन्ग वाला बहुत गंदा रोड है, बहुत ही खराब रोड है, अभी देखते हैं जाके क्या बनता है आगे। ओके गाइस बाय, सत श्री अकाल, अभी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे आगे का क्या वो है, आगे रोड का क्या हिसाब किताब है वो भी दिखाएंगे। और ये हमारा जो कल खाली की थी हमने, आज कितनी तारीख है, आठ तारीख कल 7 तारीख को भरी थी, आज 8 तारीख हुई है, तो परसों खाली की थी हमने, 6 तारीख को खाली की थी, 7 तारीख को लोड की, 8 तारीख को यहाँ, तो अभी चल रहे हैं कंटिन्यू। ओके थैंक यू, लव यू मेरे भाइयों को सबको।